हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अपने बेटे की मैक्स की शॉपिंग दिखाऊंगी, तो व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। तो हम लोग 2-3 दिन पहले ही गए थे मैक्स, देख सकते हो यार बैंगलोर में, मतलब कहीं भी जाना है ट्रैफिक का बहुत इशू रहता है। अगर कोई बैंगलोर आ चुका है, यहाँ रहता है, तो उन्हें पता होगा यार बहुत इशू रहता है हम लोग को कहीं भी जाने के लिए। देख सकते काफ़ी ट्रैफिक था। हम लोग आ गए थे मैक्स में, इसका देखो मैं मतलब शॉपिंग कर चुकी थी, जैसे यार यहाँ ठंड तो जा चुकी है, तो मैं सोची इसलिए समर की शॉपिंग कुछ कर लूँ तो आपको आगे शेयर करूँगी। तो हो गया है नेक्स्ट डे, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा अफजान की मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर देती हूँ कि क्या होता है। तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद, ही हमारी सोसाइटी है जहाँ हम लोग रहते हैं, तो ऑफिस जाने के बाद मैं थोड़ा उसे नीचे लाती ताकि वो खेले इंजॉय करे, बिकॉज यार बच्चे लोग दिन भर घर में रहते, कितना ही फ़ोन टीवी दिखाओ तो थोड़ी देर, और सुबह मॉर्निंग के वक्त ना यहाँ बच्चे खेलने वाले कम रहते, इवनिंग में तो पूरा प्ले एरिया भरा रहता, जगह ही नहीं मिलती। तो मॉर्निंग में इसे लेके तो बड़े इत्मीनान से आराम से वो खेलता इंजॉय करते अपने हिसाब से, देख सकते हो बड़ा ही खुश था। मतलब वो पापा ऑफिस गए तो रोया भी नहीं, क्योंकि उसे पता था उसे खेलने मिलने वाला है। तो बस उसे लेकर आ जाती हूँ, थोड़ा बहुत धूप भी रहती है यहाँ, तो जैसे कि ठंड जा ही चुकी है, लगभग जा चुकी है, तो उसे भी थोड़ा बहुत धूप में खेल लो यार, बहुत इंजॉय करता है। मैं भी थोड़ी देर उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो बस यही था, मॉर्निंग में सबसे पहले उसको नीचे लेकर आओ, थोड़ी देर खेल लेता है वो, उसके बाद था कि अब चलो, उसको भी बोलना पड़ा कि बेटा चलो अब नाव नाव करेंगे, तो फिर इसीलिए वो आया कि उसे नहाना बहुत पसंद है, क्योंकि वो नहाते हुए खेलता बहुत है। तो बस हम लोग ऊपर जा रहे थे, हमारा सेकेंड फ्लोर में था, तो वो बड़ा ही एक्साइटेड था, मम्मा नाव नाव करेंगे चलो चलो, तो मैं बोली चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो बस वहीं आ गए। और आप लोग बताइए कि आपके इधर ठंड कैसी पड़ रही है, क्या है? यहाँ बेंगलोर में तो बहुत ही न्यूट्रल जैसे मौसम हो चुका है, तो ये मेरे बेटे का टब रेडी हो गया है, साथ में उसके टॉयज भी रेडी हो गया है। उससे काफ़ी आधा आधा घंटा वो टब में पहले खेलता है, फिर वो नहाता है, मतलब। और यहाँ पे हमारी सोसाइटी में सोलर सिस्टम है, तो 24 आवर्स गर्म पानी का रहता ही आता रहता है, तो कोई इशू नहीं रहता है। गर्म पानी भर दो, उसके बाद उसका रहता है, वो आधा पौन घंटा खेलता है, आधा घंटा खेलता है, उसके बाद में फिर उसका नहाने का पूरा होता है। इसलिए उससे था कि मम्मा चलो अब चलते, खेल लिया हो अब नाव नाव करेंगे, तो बस आके खेलता, पूरे टॉयज को देख लेता, बहुत ही अच्छा टब है। उसके बाद थोड़ी देर उसे मैं बालकनी में ला के धूप में थोड़ी देर बैठा के उसका लोशन, ये लोशन मैं उसे यूज़ करती हूँ, अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी लिंक शेयर कर देती हूँ। और ये देख सकते हो मैं आपको आगे, मेरा बेटा तैयार हो चुका है, तो मैं आपको अपने बेटे की मैक्स की शॉपिंग समर की दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है और कैसे रिजनेबल प्राइस में है। ज़्यादा मैंने ऐसे मतलब घर में पहन सके, थोड़ा सा बाहर आउटिंग में जा रहे तो थोड़ा पहन सके, देख सकते। ये मुझे बहुत पसंद आया, ब्लैक कलर का, बहुत ही क्यूट क्यूट रहते हैं यार बच्चों के कपड़े, मतलब मन ही नहीं भरता, जितना भी लो मन ही नहीं भरता है कि व्हाइट कलर का। ये मेरे हस्बैंड की पसंद थी, उन्हें बड़ा ही पसंद आया, तो ये उनके पसंद की थी, व्हाइट कलर का था, ब्लैक लगभग, मतलब मुझे हर ही कलर पैसा अपने बेटे को पहनाना पसंद है, लगभग सारे ही कलर्स उसके पास है। फिर कुछ टी शर्टें ली, बहुत अच्छे टी शर्ट्स मिल रहे थे यार, अच्छे मिलते हैं इसमें, और प्राइस भी आप जानते हो रिजनेबल होंगी। ये एक ब्लू कलर है, रेड कलर है, एक मैंने शायद येलो कलर की भी ली हूँ, हाँ आगे आपको दिखाऊंगी, येलो कलर की भी मैंने ली हूँ। ऐसे दो तीन सेट ली हूँ मैंने शॉर्ट्स की, और 2-3 अलग से टी शर्ट लेके अलग से शॉर्ट्स ली हूँ, पेयर में भी ली हूँ विदाउट अ सिंगल सिंगल। ये शॉर्ट्स देखे यार, इतने क्यूट क्यूट शॉर्ट्स थे ना, मैं इसका 3 से 4 ईयर साइज का ही लेती हूँ। और ये दो पैंट मैंने बस ऐसे घर में जनरली रात वात में पहनने के लिए ले ली, और ये ऐसे शॉर्ट्स है कि तुम थोड़ा सा पहन के बाहर भी निकल सकते हो, देख सकते हो बहुत ही क्यूट क्यूट शॉर्ट्स थे। और ऐसे 3-4 शॉर्ट्स ली हूँ मैंने, आप बताइए आप लोग को कौन से इसका मतलब समर के एकदम हल्के लाइट वाले कपड़े कौन से पसंद है। मुझे तो लगभग सभी पसंद, क्योंकि सभी एकदम ना समर के वाइब से एकदम लाइट ठंडा, बच्चों को बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगा। देख बस यही था व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।